नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख कर लेते हैं खबर की ओर। अंबेडकर नगर के आलापुर तहसील में भ्रमण पर निकले जिलाधिकारी अविनाश सिंह मुख्य मार्ग के बगल खेत में पराली जलता देख बेहद नाराज हुए। इसके बाद उन्होंने दो लेखपाल को निलंबित करने का आदेश देते हुए किसानों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी अविनाश सिंह आलापुर तहसील क्षेत्र में पहुंचे थे, जहां कुम्हरिया घाट जाते समय राजे सुल्तानपुर थाना अंतर्गत सकासीपुर गांव के पास पराली जलता देख जिलाधिकारी अविनाश सिंह बेहद नाराज हुए और उन्होंने क्षेत्रीय लेखपाल परशुराम और कानूनगो श्रीराम को निलंबित करने का आदेश दिया है। यूपी के बुलंदशहर में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत नौटियाल के द्वारा संविधान बचाओ यात्रा, जमीन आरक्षण वापस करो आंदोलन बुलंदशहर पहुंचा, जहां भूर चौराहे से अंसारी रोड तक निकाली गई संविधान बचाओ यात्रा काला आम शहीद चौक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा अंसारी रोड चौराहा पर पहुंचकर समाप्त हुई। वहीं संविधान यात्रा के दौरान मनजीत सिंह नौटियाल ने कहा कि बुलंदशहर ऐतिहासिक रूप से समतावादियों की नगरी है, लेकिन वर्तमान में देश की सत्ता भाई को भाई से लड़ाने वालों के हाथ में है। देखिए, मैं अपने मजदूर किसान भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि मैं भी एक मजदूर वर्ग से आता हूँ और मजदूर किसानों की पीड़ा केवल मजदूर का ही बेटा समझ सकता है, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन मैं अपने मजदूर किसान भाइयों से ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से इस देश की सरकार ने मजदूर किसानों का उत्पीड़न किया है, 750 किसानों को देश के अंदर शहीद होना पड़ा, आंदोलन देश के अंदर चला, तो मुझे लगता है कि अगर संविधान को मानने वाले लोगों की सरकार होती तो निश्चित रूप से मजदूर किसानों की आवाज को सुना जाता। और ये इतिहास है, हमारे मजदूर किसान भाइयों को भी ये उत्तर प्रदेश की सरकार का जो कार्यकाल है बहुजन समाज पार्टी का, ये उनको उठाकर देखना चाहिए कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो किसी किसान का उत्पीड़न नहीं हुआ। प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक मुश्त समाधान योजना लागू की थी, जिसके बाद लगातार बिजली कर्मी उपभोक्ताओं से बकाया बिजली बिल जमा और योजना का लाभ लेने के लिए अपील कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए बिजली विभाग के अभियंता प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। इसी क्रम में GPRA बिजली घर पर मुख्य अभियंता ने सभी उपखंड अधिकारियों और अवर अभियंताओं के साथ बैठक की, जहां बैठक के दौरान मुख्य अभियंता अनिल कपूर ने सभी अभियंताओं को निर्देशित करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं का एक मुश्त समाधान योजना का लाभ पहुंचाएं, जिससे सभी उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ मिल सके। OTS की योजना इस प्रकार की है, पहली बार सरकार द्वारा इस प्रकार की योजना लाई गई है कि पहले आओ अधिक लाभ पाओ। तो इसमें नवंबर 12 में जो OTS की योजना है इसमें अधिकतम लाभ है, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग है। जैसे LMV1 में 100% लाभ है, छूट है पूरी पेनल्टी की। फिर उसके बाद नवंबर में अगर नहीं कर पाते दिसंबर में करेंगे तो उससे कम है, 15 दिसंबर तक उससे कम है और 15 दिसंबर के बाद उससे कम है। तो 31 दिसंबर तक है यह योजना। और इसमें सभी उपभोक्ताओं से अपील है आपके माध्यम के से कि जल्दी आके अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और रजिस्ट्रेशन करा के 1 माह के भीतर पैसा जमा कर दें। फिरोजाबाद में थाना बसई मोहम्मदपुर के ग्राम नगला चूरा में ऑपरेशन जागृति का एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चे, अध्यापक और स्वास्थ्य संबंधी भी लोग मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में स्कूल की बच्चियों को और महिलाओं को जागरूक किया गया कि आजकल लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है और लोगों की वॉइस कर लोगों के साथ ठगी भी की जा रही है। वहीं ऑपरेशन जागृति कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। महिलाओं के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर हमें एक तरह से समाज के स्तर पे उसके ऊपर विचार मंथन चाहिए और उसमें हम सब लोगों को बैठ करके चर्चा करना चाहिए कि उन आखिरी मुद्दों की जड़ में क्या है और महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं से संबंधित जो अपराध रजिस्टर हो रहे हैं, ये सभी चीज़ों की पृष्ठभूमि में क्या है। इन सभी मुद्दों को एक तरह से मुद्दों का अध्ययन करने के बाद हमारे ADG मैम, जो आगरा जोन की ADG हैं, मैम ने एक ऑपरेशन को अपने आइडिया एक डेवलप किया, जिसमें उन्होंने ये प्रयास किया है कि हम गांव-गांव में जाकर के
हर कम्युनिटी के लोगों के बीच में बैठकर के चार प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे। गाजियाबाद में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकारी तंत्र पुरजोर कोशिश में लगा हुआ है। हालांकि पूरे गाजियाबाद का वायु गुणवत्ता स्तर खराब है, लेकिन लोनी में वायु प्रदूषण कुछ ज्यादा ही होने की वजह से AQI 400 के आसपास दर्ज किया जा रहा है। साथ ही लोनी में वायु गुणवत्ता को मापने के लिए मशीन भी लगाई गई है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने AQI नापने के लिए लगाई मशीन पर नगर पालिका के अधिकारी प्रदूषण लेवल कम दिखाने के लिए मशीन पर पानी का छिड़काव कर रहे हैं। प्रदीप जी, किसके आदेश से चलती है? जियो साहब, जियो लोनी के आदेश से। कितने घंटे चलाने का आदेश है इसको? कितनी देर बाद चलाई जाती है ये? अचानक हर घंटे बाद चलाएंगे। कितनी देर तक? घंटा, एक घंटा, एक डेढ़ घंटे, हर एक डेढ़ घंटे बाद। जी जी। और कितनी मशीन यहाँ चल रही है? दो मशीन चल रही है। तो कब तक चलानी है? रात को भी चलती है, दिन में ही? रात को भी मार देते हैं, रात को भी, दिन में भी। तो क्या ऊपर इस कमरे की तरफ चलाते हो? जी, वहाँ कमरे पर बताया हुआ है। हाँ जी। वहाँ क्या है? वहाँ ये तो नहीं पता सर को, पोल्यूशन के बारे में पता। अच्छा, तो वहीं पे उसको छिड़काव उसी को करना है। जी। तो कमरे के ऊपर छिड़कते हो, कहाँ छिड़कते हो? ऊपर, वहीं पे, कमरे पे। जी। संभल में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर तरन्नुम रजा के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए असमोली क्षेत्र के गांव शाहबाजपुर कला में अवैध रूप से संचालित शिफा क्लिनिक, मतवाली पट्टी जग्गू में शमा हेल्थ केयर और ओवरी में असलम हेल्थ केयर को सीज किया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से अवैध हॉस्पिटल संचालकों में हड़कंप मच गया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज चौधरी ने बताया कि तीनों ही हॉस्पिटल अवैध रूप से संचालित हो रहे थे, जिसके लगातार स्वास्थ्य विभाग को शिकायतें भी मिल रही थी। जो मौके पर पहुंचकर इनका निरीक्षण किया गया तो अवैध रूप से संचालित होते पाए गए, जिनको मौके पर ही सीज कर दिया गया और तीनों ही हॉस्पिटल संचालकों के खिलाफ संबंधित थाने में FIR दर्ज कराकर कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली में प्रेमी प्रेमिका के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि प्रेमी से मिलने 35 किलोमीटर का सफर तय करके आई प्रेमिका को जब उसके एंगेजमेंट की जानकारी हुई तो प्रेमिका सड़क पर बेहोश हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती को अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद शेरवानी पहने हुए प्रेमी जिला अस्पताल पहुंचा, जहां घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इसी हाई वोल्टेज ड्रामा के बीच दोनों के परिजन पहुंचे तो दोनों के बीच आपसी समझौता हो गया और दोनों पक्ष चुपचाप अस्पताल से निकल गए। सर, एक युवती का मामला है, क्या है पूरा मामला? ये हमारे पास एक युवती पुलिस द्वारा लेके आई गई। बताया जा रहा है कि रास्ते में गिरी हुई थी, उसको पुलिस वालों ने उठा के लिए आया और भर्ती करके उसका इलाज चल रहा है। क्या है स्थिति उसकी? स्थिति अभी स्थिर बनी हुई है, आगे जांच में पता चलेगा कि क्या है दिक्कत। कहाँ से लेकर आए हैं इसको? ये पास में ही एक क्षेत्र है, लड़की जो है सलोन की रहने वाली है जो बताया जा रहा है। और आगे कोई शादी वादी का मामला था क्या? अभी परिजनों द्वारा अभी साफ साफ ये चीज़ें नहीं बताई गई है, लेकिन आगे जांच में चीजें पता चलेंगी। संभल में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। बताया जा रहा है कि बनियाछेड़ थाना पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने 2 तमंचे, 2 चाकू और 1 बोलेरो कार बरामद की है। वहीं पुलिस के अनुसार बदमाश डकैती डालने की योजना बना रहे थे और योजना बनाते उनको गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले के आगे की जाँच पड़ताल में जुट गई है। आज रात्रि थाना बनियाछेड़ पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान में डकैती की योजना बनाते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम फैजान निवासी संभल, शादाब निवासी अलीगढ़, शाहरुख निवासी रामपुर तथा जीशान निवासी बुलंदशहर हैं। अभियुक्तों के कब्जे से 2 अदद तमंचा तथा 7 कार्टेज बरामद किए गए हैं। साथ ही घटना में प्रयुक्त किए जाने वाले पिकअप वाहन को भी बरामद किया गया है। इस प्रकरण में गहराई से छानबीन की जा रही है, शीघ्र ही प्रकरण में कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। बुलंद
शहर जा रहे बाइक सवार मामा भांजे पर कार सवार बदमाशों ने जान से मारने की नियत से तमंचे से गोली मारकर घायल किया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार मामा भांजे पर बदमाशों ने जान से मारने की नियत से गोली मारी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अलीगढ़ ले जाया गया। वहीं घटना के बाद 5 लोगों को नामजद और 2 और अज्ञात के नाम बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। थाना अनूप शहर अंतर्गत एक आजिम पुत्र मुन्ना पवित्रपुरी मोहल्ले के रहने वाले हैं। इन्होंने एक सूचना दी है, इनके चाचा और इनके फुफेरे भाई किसी काम से बुलंदशहर जा रहे थे, रास्ते में इन पर फायर किया गया, जिसमें इन्होंने जिन लोगों का नाम लिया है उनसे इनके पहले से ही रंजिश चल रही, मुकदमेबाजी चल रही है। फिर भी क्योंकि इनको मामूली सा हल्का सा निशान दिख रहा है कि जैसे फायर आर्म इंजरी या कोई इस तरह का निशान खरोच से लग रहा है, जिसके आधार पे घटनास्थल के आसपास से और पूरे रास्ते पे ट्रैक किया जा रहा है। CCTV फुटेज या अन्य जो भी जहां से उसको मदद मिल सकती है घटना की सच्चाई को जानने के लिए प्रयास किया जा रहा है। देवरिया सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के भीखमपुर रोड पर स्थित दस्ताहू लेडीज वर्ल्ड दुकान पर चोरों ने हाथ साफ किया है। बताया जा रहा है कि चोरों ने देर रात छत के रास्ते दुकान में घुसकर लाखों की नकदी, कंप्यूटर, टीवी, CCTV कैमरा लेकर फरार हो गए। वहीं दुकान के मालिक ने चोरी की सूचना सदर कोतवाली पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।